नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक और अपडेट के साथ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने जारी की है जस्ट अभी पैरामेडिकल वर्ग में ECG टेक्नीशियन की भर्ती, जिसके अंदर टोटल जो पोस्ट दी गई है वो है 195, जिसमें गैर अनुसूचित की 177 और जो अनुसूचित क्षेत्र है उसकी 18 पोस्टें हैं। और इसकी जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। 30 तारीख को इसका नोटिस आया था। अब देखिए इसके अंदर क्या कुछ करना होगा। ये जो भर्ती आई है ये स्पेशली जिन्होंने 12th मैथ और साइंस से किए उनके लिए, और साथ में जिसके पास ECG का डिप्लोमा है उसके लिए है। अब देखिए आवेदन जो शुल्क है इसका वो है 350 रुपये OBC के लिए और SC ST के लिए है 250 रुपये, ठीक है। और जो जनरल है उनके लिए है 450 रुपये, सॉरी नॉन क्रिमिनल जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 350 रुपये, वैसे जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 450 रुपये है, जिसको आपको ई मित्र से कटवाना होगा। अब देखिए इसकी जो पोस्ट डिटेल्स हैं, ECG टेक्नीशियन पद हेतु 177 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 49, महिला की 14, विधवा की 5, प्रत्येकता की 1। उसी प्रकार से आगे आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये हो गई पोस्ट डिटेल। और ये अनुसूचित क्षेत्र की 18 पोस्ट हैं। अब देखिए इसके बाद आते हैं इसके, इसमें खिलाड़ियों के लिए भी अलग कोटा है, अभी इसने लगभग गेम्स में और जो विकलांग हैं उनके लिए भी अलग से कोटा दिया गया। इसके अंदर जो सैलरी वगैरह रहेगी वो लेवल 8 के आधार पर 7वें वेतन आयोग के अनुसार रहेगी। अब मेन आती है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो +2 बायो या मैथ के साथ होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए ECG टेक्नीशियन का, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का होना चाहिए, और उसके बाद उसको राजस्थान के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य है। अब देखिए नेक्स्ट, आयु 18 से 40 होनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसका वो रहेगा कंप्लीट रूप से दिए राज चयन का आधार। आवेदित पद हेतु आवेदकों का चयन राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा के तहत पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता दोनों भी स्थिति में जो अंक प्राप्त करेगा उसके आधार मेरिट से तैयार किया जाएगा। और क्या होगा, दोनों का जो 70% लिया जाएगा, औसत का 70% लिया जाएगा और बाकी जो 30 नंबर होंगे वो होगा अनुभव के आधार पर। वो इसने दे रखा है 1 साल के अनुभव पर 10 नंबर, 2 के 20 और 3 साल के 30 नंबर पर। ये है इसकी कंप्लीट डिटेल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।